वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। बिना टाइम गवाए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 9 फॉर द एमसीक्यू सीरीज ऑफ रिपेयर एंड रिहेबिलेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 121। द पेकोमीटर इज यूज टू लोकेट द पेकोमीटर को हम कवर मीटर भी बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कवर मीटर भी अगर लिखा है तो भी आंसर आपका सेम रहेगा। और जनरली कवर मीटर या पेकोमीटर हम यूज़ करते हैं टू फाइंड दी स्टील रेइनफोर्समेंट और टू लोकेट दी स्टील रेइनफोर्समेंट। सो क्वेश्चन नंबर 121 आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ डोरमेट क्रैक वाइडर देन दी अबाउट 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से ज़्यादा है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू यूज़। तो क्या यूज़ कर सकते हैं जनरली, अगर 1 मीटर से भी ज़्यादा आपकी क्रैक विड्थ है तो जनरली हम यूज़ करेंगे ग्राउटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन इज टू कंट्रोल द कोरोजन कॉन्क्रीट विथ, आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाया है इनका, कि जब आप बात करते हो कोरोजन की बात तो जनरली हम यूज़ करते हैं परमेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अगर क्योंकि परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कॉन्क्रीट में तो पानी कहीं ना कहीं इनपुट होगा और कहीं ना कहीं वो आपको कोरोजन के लिए काम करेगा। तो कोरोजन ना हो इसलिए हम यूज़ करते हैं लो परमेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। सो क्वेश्चन नंबर 123 इज आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रीजन फॉर क्रैक्स इन द मेसनरी जॉइंट। जनरली क्रैक को मेसनरी में जो होता है वो ड्यू टू द सल्फेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आपका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन इज विच IS कोड गिव्स द डिटेल अबाउट द टर्माइट प्रूफिंग। तो याद रखिएगा टर्माइट प्रूफिंग के लिए जो कोड है वो है आपका IS 6313। तो याद कर लीजिएगा 6313 इज द कोड फॉर द टर्माइट प्रूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीक्स इन द पीच रूफ। तो पीच रूफ में जब बात करते हो तो जनरली आपको पता ही होगा कि जब स्लोपिंग कंडीशन है तो विंड के कारण कहीं ना कहीं रूफ में से आपको पानी दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 127 इंटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग हैव डेवलप्ड क्रैक्स रिमेडियल मेजर्स अडॉप्ट विल बी। तो पहली बात तो आपको क्या पूछा है कि इंटीरियर वॉल में आपकी क्रैक डेवलप हो चुकी है, अब उनको रिमेडियल मेजरमेंट क्या हो सकते हैं आपके। तो फिल द क्रैक बाय पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार और फिल क्रैक विद द बिट्यूमिन। तो बिट्यूमिन तो हम नहीं यूज करेंगे, यूज एक्सपेंसिव सीमेंट मोर्टार तो उनको भी उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इंटीरियर वॉल है आपकी। यूज वाटर प्रूफिंग तो वाटर प्रूफिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि वो इंटीरियर वॉल है। अगर एक्सटीरियर वॉल होती तो आपको कहीं ना कहीं वाटर प्रूफिंग की बात करते। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर होगा आपका ए, दैट इज द फिल द क्रैक बाय पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन एम ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द इट्स अपीयरेंस, यूटिलाइज द फंड प्रोवाइडेड, स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर और नन ऑफ द अबव। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 128 एंड आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब जो कोई भी क्रैक्स या कोई भी डैमेज हो उससे पहले हम मेंटेनेंस करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। तो अब प्रिवेंटिव जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा हो सकता है, फिलिंग द क्रैक्स इन द मेसनरी, रिपेयर ऑफ पोर्ट होल्स। तो देखिए पोर्ट होल्स रोड पर है तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं तो प्रिवेंटिव नहीं हो सकते वो, पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज। 129 आंसर इज सी, क्योंकि आपको याद ही होगा पेंटिंग और ऑफ डोर्स एंड विंडो हम इसलिए ही करते हैं कि उनकी लाइफ थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 129 द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 130 मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑन टिम्बर कॉसेस। तो जो मॉइस्चर होता है टिम्बर पर वो क्या इफेक्ट कर सकते हैं, तो डायमेंशनल चेंज हो सकता है, यस 100%, शेप चेंज, यस, मोल्ड ग्रोथ मतलब उसमें जो बैक्टीरियास होते हैं उनका ग्रोथ हो सकता है, और 130 मतलब के आपका आंसर होगा तीनों ऑप्शन सही है ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 130 आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्माइट मेक द टिम्बर क्रैक पोरस मॉइस और वेट एंड ड्राई। तो नीचे ऑप्शन जो होगा वो वेट एंड ड्राई होगा, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए उनको।
तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर होगा आपका पोरस। टर्माइट जो होता है वो आपको पोरस कर देता है आपके टिम्बर को। तो क्वेश्चन नंबर 131 आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम द रस्टिंग। तो जनरली हम यूज करते हैं रेड लीड टू प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम बस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 132 आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीमेंट फॉर द रिपेयरिंग क्रैक्स इन द RCC वर्क। जनरली हम यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, तो वो जल्दी आपका काम कंप्लीट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 133 आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134 दैट इज स्टील स्ट्रक्चर इज लाइकली टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो अब जैसे ही पानी स्टील के साथ आता है तो रस्ट होता ही है, तो हम क्या कर सकते हैं उनको रिमूव करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम करते हैं एंटी कोरोसिव पेंट ऑन द स्टील स्ट्रक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 134 आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन इज एफ्लोरेंस इज द इल इफेक्ट ऑफ। तो एफ्लोरेंस एक्चुअली इफेक्ट किसकी है, तो जनरली वो होता है ड्यू टू द डैम्पनेस। तो क्वेश्चन नंबर 135 आंसर इज ए। ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये काम आएंगे एग्जाम में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आज होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।